जैन भाइयों, जेजेएल डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपकी रीजनिंग की क्लास चली थी और उसमें आज शायद फिगर काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया था अंकित सर द्वारा, और आज आपकी इंग्लिश की अगली क्लास जो है वो नाउन का कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे और जल्द ही नाउन के चैप्टर को समाप्ति की तरफ लेके चलेंगे। तो आज जो टॉपिक है वो लिख लो, नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन में जो टॉपिक चल रहा है उसका जो नेक्स्ट नाउन नाम जो है वो है नाउन एंड द जेंडर। नाउन एंड द जेंडर, कल की क्लास में हम आपको नाउन एंड द नंबर खत्म करा चुके थे और उसमें उससे संबंधित सारे क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम आपकी स्क्रीन पे लगवा के कंप्लीट करा चुके हैं। अगर जिसने अभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो उस वीडियो को जाके देख ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जैसा कि आप सबको पता है हमारा चैनल का नाम है जेकेएस डिफेंस एकेडमी, जिसमें रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास फिलहाल कंटिन्यू रन कर रही है और जल्द ही आपकी जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनको भी कवर कराया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड द नंबर, सॉरी नाउन एंड द जेंडर। नाउन एंड द नंबर तो हम पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जेंडर क्या चीज है। तो पहले लिखो जेंडर, हेडिंग डाल लो जेंडर। जेंडर को हिंदी में लिंग कहा जाता है। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं और इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे साथ साथ, इसके एग्जांपल भी हम रखेंगे जिससे आपको पता चलता रहेगा। लिखो विच नाउन डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर की जो डेफिनेशन है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जैसा कि लिखा गया है विच नाउन डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। इसका एग्जाम्पल देखें, सच एज हॉर्स डॉग और बॉय। ये सारे नाउन है, ये किसको डिनोट कर रहे हैं? टू डिनोट्स मेल सेक्स। ये सारे जो नाउन है वो किसको डिनोट कर रहे हैं? मेल को डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। अभी हम जेंडर का पार्ट जो है आपको समझाएंगे, ठीक है, कि जेंडर को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। और एक एग्जांपल और लो, वेयर विच मेयर विच और गर्ल, ये सब नाउन जो है वो किसको डिनोट्स कर रहे हैं? ये कर रहे हैं फीमेल सेक्स को। जैसे इनकी हिंदी में बताता हूँ, हॉर्स को इंग्लिश हिंदी में घोड़ा कहेंगे, डॉग को कुत्ता कहेंगे, बॉय कहेंगे लड़का, और हॉर्स का अगर फीमेल पूछा जाए आपसे तो वो मेयर होगा, और डॉग का अगर फीमेल जेंडर पूछा जाए तो बिच होगा, और बॉय का तो बच्चा बच्चा जाता है, बॉय का अगर फीमेल जेंडर होता है तो गर्ल होता है। इसीलिए
मैंने अभी ये नॉर्मल से एग्जांपल देकर आपको जेंडर समझाने का प्रयास किया। तो भाई लोगों, आपको ये डेफिनेशन किस प्रकार की लगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और कर देना। तो आगे चलते हैं, आगे हम बताएंगे जेंडर के पार्ट कितने होते हैं, कितने टाइप का जेंडर होता है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो जैसा कि भाई लोगों आपने नोट कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं और आपको ये बताएंगे जेंडर को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। कोई बताएगा? जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं उनमें से कोई भी भाई बता सकता है कि जेंडर को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? बस दो ही होते हैं, ट्रांसजेंडर नहीं। वो बताइए किसमें आते हैं ट्रांसजेंडर? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे सर के तीन तरफ नहीं, जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए अभी ढंग से आंसर दो भाई, लिखो जेंडर, इधर लिख लो जेंडर, ठीक। अब मैं इसकी हिंदी नहीं लिखा रहा, आपको भी लिखा चुका हूँ मैं हिंदी क्या है, और बार बार हिंदी लिखा दूंगा तो यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो कुछ ज्यादा ही उंगली कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको मैं बता चुका हूँ हिंदी इसकी, इसीलिए हम बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है। जेंडर आपके कितने भागों में डिवाइड होते हैं वो मैं लिखाता हूँ, ठीक है। जेंडर को चार पार्टों में बांटा गया है हमारे ग्रामर में। पहला जेंडर है उसका नाम है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा जो है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर, और चौथा है न्यूटर जेंडर। तो आपको बताया गया है जेंडर को कितने पार्टों में बांटा गया है, चार पार्टों में बांटा गया है। जो पहला पार्ट है आपका मैस्कुलिन जेंडर है, दूसरा पार्ट है फेमिनिन जेंडर है, और तीसरा जो इसका भाग है जेंडर का वो कॉमन जेंडर, और चौथा है इसका न्यूटर जेंडर। अगर मैं इसकी हिंदी लिखाता हूँ तो हिंदी देख लो, इसको बोलते हैं पुल्लिंग, इसको बोलते हैं फेमिनिन जेंडर को बोलते हैं स्त्रीलिंग, इसको बोलते हैं, कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं? मैं इसको लिखता हूं पहले, फिर आप सोचिए बता। कॉमन जेंडर को बताओ, कौन बताएगा क्या बोलते हैं हिंदी में, और सब जानते हैं? अगर गलत तो पड़ा होगा, वैसे मैं गलत के बारे में कम ही बात करूं तो अच्छा है, क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है इस समय वो है इंग्लिश, इसीलिए आप अगर मैं गलत में थोड़ा आपको कॉमन तो लेते होगा ना, आप कॉमन लेके ऐसे फार कॉमन ले लिया ऐसे इसमें से क्या थोड़ा सा और यहाँ जेंटर का है वैनिस्ट नहीं होगा, जेंटर का मतलब क्या होता है लिंक, तो उसके आगे अभी जो तुमने बोला उसको जोड़ दो, क्या होगा ओवेलिंग, ठीक। जल्दी नोट करो, देखो किस प्रकार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सब बताया जाएगा। पहले जेंडर के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे अगर हम पहली बार जो भाई मेरे पढ़ रहे हैं जेंडर के बारे में, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे ला दिया जाए, उन्हें यही पता नहीं है जेंडर क्या होता है। हालांकि अभी पता तो सबको होता है कि जेंडर क्या है, लेकिन उनको अभी मैंने ऑफलाइन पूछा था तो उन्हें बस दो या तीन जेंडर पता था बस, और आज उन्हें एक नया जेंडर देखने को मिलेगा जो है न्यूट्रल जेंडर, और इसके साथ में बताया भी जाएगा कि न्यूट्रल जेंडर कौन कौन से होते हैं, कॉमन जेंडर कौन कौन से होते हैं, और मैस्कुलिन और फेमिनिन तो मोस्टली बच्चे जानते हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं उसके बाद चलते हैं, ठीक है। देखो मैस्कुलिन जेंडर में आपके बॉय फादर
से आपको पता चल रहा है ये सारे मैस्कुलिन जेंडर हैं, जैसे लड़का, पिता, घोड़ा, बहुत सारे हैं, भाई भाई भी हो सकता है, ब्रोदर भी लिख लो, चलो जगह नहीं है नीचे, लेकिन आप अपनी एग्जांपल जब करें तो उस पर लिख लेना, ब्रोदर भी लिख लेना, ठीक है। इसी प्रकार फेमिनाइन जो जेंडर है वो होगा गर्ल, मदर और मेयर, इधर जगह बची हुई है, तो मैं एक और फेमिनाइन जेंडर बता चुका था, वैसे फिर भी लिख दिया है बेसिक। इसको हिंदी में सब लोग जानते हैं क्या कहते हैं, ये सब फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। अब मुझे बताओ ओवेलिंग जेंडर, जिसको इंग्लिश में कॉमन जेंडर कहते हैं, उसमें कौन कौन आएगा? देखो डॉक्टर, आप कभी भी कहीं भी जाएंगे तो आप डॉक्टर बोलेंगे, लेकिन उससे ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये डॉक्टर फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है। कुछ भी हो, ये उनकी डॉक्टर जो है एक तरीके से उनकी क्या कहते हैं उसको हिंदी में उपाधि होती है एक तरीके से। इससे ये पता नहीं चलता हमें कि ये फेमिनाइन जेंडर में आता है या मैस्कुलिन जेंडर में आता है, इसीलिए हमने इसको रखा है कॉमन जेंडर में। वेरी गुड, इसको बताने वाला था टीचर। ओके, टीचर सबके लिए कॉमन वर्ड है, इसमें हमें ये इससे दो जेंडरों के बारे में पता चलता है, इसीलिए हमने इसको कॉमन जेंडर में रखा है। और एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट भी आपके किस जेंडर में आते हैं? स्टूडेंट भी आपके कॉमन जेंडर में आते हैं, क्योंकि इससे भी ये पता नहीं चलता, स्टूडेंट गर्ल के लिए भी यूज होता है और स्टूडेंट जो वर्ड है आपका वो मेन बॉय के लिए भी यूज होता है, इसीलिए ये कॉमन जेंडर में आता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि न्यूट्रल जेंडर के कुछ एग्जाम्पल मुझे दे दिए जाए तो बहुत काफी अच्छा रहेगा, इससे मुझे पता चलेगा कि थोड़ी बहुत तो नॉलेज है आपको। देखो न्यूट्रल जेंडर में वो लोग आते हैं जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं, वो सारी चीजें न्यूट्रल जेंडर में आती हैं, ठीक, जैसे पेन, पेन, टेबल, इंक एक्सेट्रा, ये नॉन लिविंग थिंग्स जो इतनी भी होती हैं वो सारी किस जेंडर में आती हैं? न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। तो आपको न्यूट्रल जेंडर कितने पार्ट्स के होते हैं, कौन कौन किस जेंडर में आता है, वो सब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं रफ करूंगा। जब तक कुछ ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनके मन में कुछ डाउट चल रहा है मैं उसको क्लियर करता हूँ, आप इसको नोट कीजिए। हाँ भाई बताओ, कॉमन जेंडर, ठीक, ना तो मैस्कुलिन में रख सकते ना फेमिनाइन में रख सकते, दोनों को इसमें रख सकती हूँ, ठीक, किसमें? न्यूट्रल जेंडर में, नॉन लिविंग थिंग थोड़ी नहीं होते हैं, वो सांस तो लेते हैं, लिविंग थिंग तो होते हैं, जीवित तो है वो, ठीक, रफ नोट करो। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम इसे रफ करते हैं और आगे कुछ आपको रूल लिखाए जाएंगे और उन रूलों को बड़ा ध्यान से आपको लिखना है और समझना है, फिर उसके आधार पे आपको क्वेश्चन भी आज ही करा दिए जाएंगे और आपका नाउन एंड द जेंडर वाला जो टॉपिक है नाउन के अंतर्गत वो आज ही हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। Thank
इसको भी रफ कर दो। तो कुछ रूल्स हैं नाउन एंड द जेंडर के अंतर्गत, उनको आप नोट कीजिए, ठीक है। देखो आइदर नाइदर और एवरी कॉमा ईच कॉमा एवरीवन कॉमा समवन कॉमा एनीवन कॉमा एवरीबॉडी कॉमा समबडी कॉमा एनीबॉडी। ठीक, आइदर नाइदर ईच एवरी एवरीवन समवन एनीवन एवरीबॉडी समबडी एवरीबॉडी। नोट कर लिया, ये दोनों ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ भी ले, वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपसे कोई वैसे चलता बलता राही कोई मिल जाए, आपसे पूछ ले, आपसे रास्ते में अगर कोई पूछे कि आप बताए अगर जेंडर आपने पढ़ा है, आपने अगर जेंडर पढ़ा है तो आप बताएं कि अगर एवरी है वो किस जेंडर का है प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन है ये मैं बता भी चुका हूँ, और जब चैप्टर प्रोनाउन का पढ़ाएंगे तो वो भी बताऊंगा ये कौन से प्रोनाउन है ये। ठीक है, कौन से प्रोनाउन है वो भी मैं समझाऊंगा जब प्रोनाउन का चैप्टर चलेगा तब, कि प्रोनाउन के कौन सा भाग है। तो इसीलिए इनको कॉमन जेंडर के प्रोनाउन के अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ सामान्यतः इतना बड़ा काफी है, और बड़ा लिखो जरा देखना स्क्रीन पे, एक बार स्क्रीन पे देख लो, सही है। चलो, इसके साथ सामान्यतः मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, ही हिम कॉमा हिज कॉमा हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। ठीक, ये जो आपको कॉमन जेंडर के प्रोनाउन दिख रहे हैं इनके साथ हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन ही हिम हिज हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखें, फेमिनाइन प्रोनाउंस का पता चलने पर इनके साथ फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउन a
फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउंस होते हैं सी हर कोमा हर और हरसेल्फ का प्रयोग होता है। एक बार इसको मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाऊंगा, पहले समझ लीजिए ढंग से। देखो, जब भी आपको आइदर नाइदर ईच एवरी एवरीवन समवन एनीवन एवरीबॉडी समबडी एनीबॉडी ये सारे कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस होते हैं और इनके साथ सामान्यतः मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन ही हिम हिज और हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें ये पता चल जाता है एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में कि ये फेमिनिन जेंडर यूज किए गए हैं इसमें, तो इसके साथ फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन जो होते हैं वो सी हर हर्स या हरसेल्फ का प्रयोग होता है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले इस रूल को नोट कीजिए, फिर इसको रख पढ़ते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल आपको देंगे। तो भाई लोगों आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं और इसको रब करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, तब आपको समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल है, ये रूल नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल है। एवरीवन स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक। आपके सामने एक एग्जाम्पल ये दिखाया गया है और इसी को मैं इस प्रकार लिखूंगा, एवरीवन स्टूडेंट या एवरी वन की जगह एवरी लिखो, एवरी स्टूडेंट या एवरी वन हो कोई दिक्कत नहीं है, जो ये भी कॉमन जेंडर का ही प्रोनाउन है। एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी। अब आपको बताना है इन दोनों सेंटेंस जो मैंने आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। सेंटेंस फर्स्ट करेक्ट है, देखो मैंने अभी आपको लिखाया था कि एवरी ईच या एवरीवन या नोबडी एवरीबडी समबडी एनीवन समवन ये सारे कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस होते हैं और इनके साथ सामान्यतः मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस जैसे ही हिम हिज या हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें सेंटेंस में ये पता चले कि ये फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउंस इस जगह यूज हुए हैं, तो इसके साथ फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउंस सी हर हर सेल्फ का प्रयोग करती है। तो आपको पता होगा, देखो एवरी का प्रयोग किया गया है, तो इसके साथ में जो जब मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, जो कि हिज यहाँ पे सही यूज किया गया है। मैंने आपको इट्स तो अभी बताया ही नहीं है कि इट्स प्रोनाउन किसके साथ यूज किए जाते हैं, तो इस जगह इट्स जो हुआ है वो गलत यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट है, चलो स्टूडेंट से ये पता नहीं चलता हमें कि ये लड़की है या लड़का है, तो हम यहाँ हिज भी लिख सकते हैं और हर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके स्थान पर हिज या हर के प्लेस पर
हम इट्स का यूज नहीं कर सकते, और इट्स का यूज किस जगह किया जाता है, किन प्रोनाउंस के साथ किया जाता है, वो आपका नेक्स्ट रूल होगा, उसमें आपको अच्छी तरीके से लिखाऊंगा, तब आपको अच्छी तरीके से और समझ आ जाएगा। तो आप इसको एग्जांपल को नोट कीजिए। ठीक है, लिखो नेक्स्ट रूल, लिखो नेक्स्ट रूल है उसको लिखो। एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग कॉमा नथिंग। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं अतः इनके साथ इनके साथ न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन इट कॉमा इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग होता है। जब तक आप इस रूल को उतारेंगे, मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं और इसको समझने की अपने आप कोशिश करना, फिर समझा तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन आप भी कोशिश करें। समझ में आ गया? देखो एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग नथिंग, ये किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए होते है ना, समझे? एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, समथिंग कुछ वस्तु, एनीथिंग कोई वस्तु, नथिंग कोई नहीं, ये सब किसके लिए? थिंग के लिए हो रहे हैं, वो भी नॉन लिविंग। ठीक है, इसीलिए न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत मैंने बताया था नॉन लिविंग थिंग आती है, और नॉन लिविंग थिंग के प्रोनाउन जो नॉन लिविंग थिंग के साथ आपको पता भी होगा इट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके साथ इट इट्स इटसेल्फ का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं एक डालता हूँ, नोट करो। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, और इसी के नीचे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, वो बड़ा ध्यान से समझना। लिखो एवरीथिंग Everything should be kept. Everything note कर लो। ठीक है,
देखो मैंने अभी लिखा है था एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग नथिंग, ये सारे कॉमन जेंडर के प्रोनाउन होते हैं, वो भी कॉमन जेंडर के प्रोनाउन थे इससे पहले वाला, ठीक है। लेकिन इन इनके साथ न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं या प्रोनाउंस कर लो। इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग होता है, इसीलिए हमें पता चला कि एवरीथिंग यहाँ पे कॉमन जेंडर का तो प्रोनाउन है, लेकिन इसके साथ में रूल में लिखा चुका हूं न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का योग हो यूज होगा, इसीलिए यहाँ पे इट्स का प्रयोग किया गया है, वो करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को अगर ऐसे भी लिखूं, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन हिज या हर ऑर्डर, तो आप बताएं क्या ये एग्जाम्पल ठीक रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग प्रूव हुआ है, और एवरीथिंग कॉमन जेंडर के साथ हमेशा न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और यहाँ पे तो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये वाला जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है, और इससे जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, इसे नोट कीजिए। तो आपने उतार लिया होगा, मैं इसे रफ करता हूँ और आगे लिखा, तो नोट करके लिखना इसी रूल में ही, इसी रूल में नोट करके लिख लो। लिखो, नोट करके लिखो, फिर मैं समझाता हूँ आपको। देखो, लोअर एनिमल कॉमा नॉन लिविंग थिंग, ठीक के साथ न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लोअर एनिमल का मतलब है छोटे छोटे जानवर, ठीक। इसके साथ भी हालांकि ये सांस तो लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि छोटे छोटे जानवर हैं, उनके लिए हमेशा न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं मैं यहां लिख देता हूं, इट इट्स और इटसेल्फ, इसको उतार लो। उतार लिया, एग्जाम्पल लिखो, ही हैज किल्ड अ स्नेक, ठीक है। इट इज लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोट करो। देखो, ही है किल्ड अ स्नेक, स्नेक लोअर एनिमल के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसके साथ न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक। इसके लिए देखो, तो सेंटेंस तो यहाँ पे दो है, लेकिन जब भी किसी सेंटेंस का रिपीटेशन खत्म करने के लिए नाउन के प्रयोग नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखो, यहाँ नाउन है स्नेक, ही है किल्ड ए स्नेक, ठीक है। अब उसका कहने का मतलब है कि स्नेक को उसने मार दिया, ठीक है।
उसके बाद इट इज लाइंग ऑन द रोड, कौन के बारे में बात कर रहा है? वो लाइंग ऑन का मतलब वो था कि रोड पर लेटा हुआ था, ठीक है। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसीलिए इसको अंडरलाइन और कर लेना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है ये, इट इज लाइंग ऑन द रोड, तो किस कौन लेटा था? स्नेक। तो मैं स्नेक इज लाइंग ऑन द रोड ना करके मैंने नाउन के रिपीटेशन को बंद कर दिया, इसीलिए उसके स्थान पर क्या यूज किया है? प्रोनाउन यूज किया है। मैं बताऊंगा प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो प्रोनाउन का मतलब भी यही होता है कि नाउन के बार बार रिपीटेशन को सेंटेंस में रोकने के लिए प्रोनाउंस का यूज होता है। जैसे हम कहते हैं राम इज ए गुड बॉय एंड राम इज एंड राम इंटेलिजेंट, ये ना करके हम कर देते हैं कि राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट, कर देते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है और वह होशियार भी है। तो उसके राम की अगर यहाँ भी राम करो तो राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम इज गुड बॉय। तो इस तरीके से सेंटेंस एक अच्छे फॉर्म में नहीं लगता है ना पढ़ने में और ना ही लिखने में। तो आप इसे नोट कीजिए और नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल लिखो, कलेक्टिव नाउन, जानते हो कलेक्टिव नाउन? पढ़ा चुका हूं नाउन को, बताओ कलेक्टिव नाउन, बताओ कौन कौन बताएगा? जैसे टीम, स्टूडेंट के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है पता है? ग्रुप होता है, आर्मी, मोब, अरे प्लेयर से तो बन के कलेक्टिव नाउन टीम ही हो गया ना। अरे बहुत सारे प्लेयर सबको मिला के जो उसके लिए कलेक्टिव नाउन क्या यूज करते थे बताएंगे ना? टीम यूज करते थे, ठीक है। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या, स्टूडेंट्स सबको मिलाकर क्या बनता है? ग्रुप बनता है, तो कलेक्टिव नाउन ग्रुप होगा ना कि स्टूडेंट्स। आर्मी बताओ कौन बताएगा? चीटियों के झुंड को आर्मी, ठीक लिखाया होगा आपने, लिखा नहीं है। मॉब बताओगे? भड़काऊ भीड़, ठीक है, एसेक्ट्रा। बंच भी है, ठीक है, बॉकेट भी है, बताओ बंच किसका कलेक्टिव नाउन है? चाबी का और ग्रेप्स, अंगूरों के गुच्छे के लिए और चाबियों के गुच्छे के लिए बंच का प्रयोग करते हैं, और बॉकेट वो है फ्लावरों के गुच्छे के लिए, ठीक है। नोट करो, ठीक है। इनसे पता है किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है, ठीक है। इससे इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इन सबसे समूह का बोध होता है, इसीलिए इसके इसके साथ न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जल्दी फटाफट नोट करो, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और चलते हैं, ठीक है। नोट करो फटाफट, कर लिया जल्दी उतर फटाफट। देखो एग्जांपल, देखो The team has declared, I will win the match. I mean, it will win the match. ठीक? The team has declared, it will win the match. Team ने declared कर दिया है कि हम match को जीतेंगे। अब team यहाँ पे collective noun है, इसीलिए इसके रिपीटेशन को जो रोकने के लिए यहाँ न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन आएगा, ना कि मैस्कुलिन जेंडर का और ना ही
फेमिनिन जेंडर का, अगर इसको गलत करके लिखता था मैं, द टीम हैज डिक्लेयर्ड ही विल विन द मैच, तो ये गलत होता, वो मैस्कुलिन जेंडर यूज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट और लास्ट रूल है आपका, और फटाफट लिखना, चाइल्ड कोमा बेबी कोमा इन्फेंट, इन्फेंट माने जानते हो नवजात, नवजात शिशु, ठीक है, के साथ न्यूटर जेंडर की प्रोनाउन का यूज होता है, न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, देख लो, ठीक, लिखो नोट करो फटाफट, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेग, बच्चा अपने पैरों को तोड़ चुका है, ठीक है, ठीक है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, जरा ये बताना फिर, ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये कौन सा सर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, थोड़ी बहुत तो नॉलेज रखो वैसे चलेगी आपकी इसकी भी क्लास, ठीक है, नोट कर लिया आपने, समझ गए, चाइल्ड का प्रयोग किया गया है या बेबी आ जाए इसकी जगह या इन्फेंट का प्रयोग हो, इसके साथ हमेशा न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन यूज होते हैं जो कि इट्स किया गया है, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन आते हैं, अब जो जहां से ये तो एरर में इस तरीके से एग्जांपल करा दिए, इनके आधार पर आपके सेंटेंस दे दिया होगा और उसमें एरर फाइंड आउट आपको करनी पड़ेगी, और कुछ एक नंबर के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उनको बता देता हूँ, और वैसे जनरली मैस्कुलिन एम का मतलब है, एम जी का मतलब है मैस्कुलिन जेंडर, और यहाँ मैं बता देता हूँ एफ जी का मतलब है फेमिनिन जेंडर, ठीक है, याद रखना एम जी का मतलब वो नहीं एम जी एक्टर वाली, ठीक है, एम का मतलब है मैस्कुलिन जेंडर और एफ जी का मतलब है फेमिनिन जेंडर, ठीक है, तो मैं कुछ आपको ये बताता हूँ कि मैस्कुलिन जेंडर के फेमिनिन जेंडर कौन कौन से और किस कैसे होते हैं। वैसे जनरली किसी भी मैस्कुलिन जेंडर में लास्ट में ई डबल एस अगर जोड़ देते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है, ठीक है, जैसे एक्टर है, एक्टर आपका मैस्कुलिन जेंडर है, और अगर मैं इसमें ई डबल एस जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ये एक्ट्रेस, जो कि एक फेमिनाइन जेंडर है। जनरली ई डबल एस मैस्कुलिन जेंडर में जोड़ दिया जाता है तो वह फेमिनाइन जेंडर बन जाता है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट फेमिनाइन जेंडर हैं उन्हें एक्सेप्शन भी समझेंगे जिसमें ई डबल एस न जोड़ के अलग ही उनका फेमिनाइन जेंडर होता है, तो मैं आपको नोट कराऊंगा, आप लिखिए, आपकी स्क्रीन पर लगवा दूंगा मैं, और मैं आपको एक बार पढ़कर समझा देता हूं उन्हें अपने स्क्रीन से, तो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे कुछ जेंडर्स, ज
जैसे आपकी स्क्रीन पर जो नेफ्यू है आपकी नजर आ रहा होगा, एक नेफ्यू आपका फेमिनिन जेंडर नहीं है, ये है मैस्कुलिन जेंडर। और इसका अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि फेमिनिन जेंडर क्या होता है, वो होता है नाइस, ठीक है। और नेफ्यू को हिंदी में भी बता देता हूँ, भतीजा कहा जाता है, और नाइस माने होती है भतीजी। अगला जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हुआ हस्बैंड, इसका सब जानते हैं, वाइफ होता है, मैन का सब जानते हैं, वुमेन होता है, अंकल का सब जानते हैं, आंट होता है, ब्रदर का सिस्टर होता है, सन का डॉटर होता है, और सर का मैडम होता है। अगली जो स्क्रीन पर है जो आपका वो है बैचलर, बैचलर माने होता है कुंवारा लड़का, ठीक। जैसे ये सब भाई बैठे हैं, ये सारे बैचलर हैं, और इसके लिए फेमिनिन जेंडर जो यूज होगा वो होगा मेड या स्पिनिस्टर। कुआरी लड़की को मेड या स्पिनिस्टर कहा जाता है। अगला जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे बुल है, बुल माने बैल होता है, और इसका जो फेमिनिन जेंडर है वो होगा काउ। नेक्स्ट आपका डॉग है, डॉग सॉरी, नेक्स्ट आपका बोर है, BOAR, बोर माने होता है सुअर, ठीक है। अगर इसका फेमिनिन जेंडर आपसे पूछे तो SOW शो होता है, और शो माने होता है सुअर यार, ठीक है। मॉन्क, मॉन्क माने कोई बताएगा भाई लोग क्या होता है? महंत लोग देखे तुमने, मॉन्क महंत, तो लंबी लंबी बाल होते हैं उनके, खूब सुस्त देखा होगा आपने। अरे जो उसे क्या कहते हैं, कुंभ में, कुंभ में आते हैं महंत लोग, ठीक है। और है महंत, उनका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो नन होगा। और विडोअर माने होता है विडोर, जो जिसकी वाइफ खत्म हो जाती है उसके लिए विडोअर यूज किया जाता है, और जो वाइफ होती है उसका हस्बैंड खत्म हो जाता है, इसका फेमिनाइन जेंडर बन जाता है विडो, ठीक है। अगला जो है ब्राइड रूम होता है, ब्राइड रूम सब जानते हैं, दूल्हा होता है, और इसका फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो ब्राइड होता है। जेंटलमैन, जेंटलमैन इसका फेमिनाइन लेडी होगा, और लेड, लेड मान होता है लड़का, LED लेड, और इसका फेमिनाइन जेंडर LASS होता है, जिसको हिंदी में लड़की कहते हैं। कुछ आपको जेंडर और दिखाई दे रहे होंगे, जैसे लवर है, लवर का बिलव्ड होता है फेमिनाइन जेंडर। विजार्ड का विच होता है, विजार्ड माने जादूगर होता है, और विच माने WITCH वाला है, WITCH, BI वाला नहीं, ठीक है। तो विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर WITCH होगा, जो जादूगर नहीं होता है। और स्टेज, ये याद रखना, स्टेज माने होता है हिरन, STAZ, और इसका HIND फेमिनाइन जेंडर होता है। और अगला जो है वो है गेंडर, गेंडर माने जेंडर नहीं, गेंडर, GANDER, गेंडर ये होता है नर हंस, जो हंस देखे हुए उसको, उसमें नर होता है उसे गेंडर कहते हैं। और इसका जो होता है वो गूज होता है, GOOSE, गूज, उसको नर हंस ना कहेंगे, मादा हंस कहेंगे, उसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। अगला है अर्ल, अर्ल माने सामंत होता है, काउंटेंस, इसका वो होता है फेमिनाइन जेंडर। अगला है ड्रैग, ड्रैग का होता है डक, कोल्ट का फिली होता है, बक का डूई होता है, पक माने में बताऊं नर खरगोश होता है, इसको याद रखना। फॉक्स माने लोमड़ी, और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फॉक्स का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो होता है विक्सल। अगला विक्सल बॉल से याद रख लेना, विक्सल की बॉल भी आती है टेनिस की। FOX हो गए, चलो REM, रैम, रैम माने, राम माने होता है भेड़ जो होता है ना, भेड़, भेड़ का जो नर होता है उसे REM, रैम बोलते हैं। और इसका जो मैस्कुलिन का फेमिनिन जेंडर बताओ तो EWE बोलते हैं उसे, भेड़नी बोलते हैं, ठीक है। चलो वैसे जनरली EWS जो मैंने लिखाई है 21, जनरली मैंने जो लिखाई है EWS मिलकर ही आपके मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको बोर्ड पे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो EWS में लगा कुछ अलग ही उनके जेंडर होते हैं, और मैं उन्हें स्क्रीन पे लगा दूंगा और आप उसको नोट कर लीजिएगा, ओके। तो अब आपकी स्क्रीन पर कुछ मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर दिखाई दे रहे होंगे, आप उनको नोट कीजिएगा और साथ ही साथ इनको याद कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उनको लगा दिया जाए। तो यहाँ पर सारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा दिए गए थे जो इम्पोर्टेंट है। अब हम नाउन एंड द जेंडर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस चैप्टर का एयरफोर्स के
पेपर में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए आपके स्क्रीन पर मैं कुछ क्वेश्चन लगवा दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको ये पता करना है कि किस पार्ट में गलती है। तो कंप्यूटर जी से निवेदन है कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया जाए और मैं अपनी स्क्रीन पर पढ़ता हूँ। तो पहला जो है वो है, ए गर्ल मस्ट लव हिज लवर एंड अ बॉय मस्ट लव हिज बिलव्ड। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किस पार्ट में आपकी एरर होगी। तो आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है और जल्दी से बता आपके इस पार्ट किस पार्ट में एरर है, जल्दी से जल्दी आप इसको फाइंड आउट करें। पार्ट नंबर टू, ओके। तो पार्ट नंबर टू है, उसमें दिखाया गया है लव हिज लवर, लवर मन ए गर्ल मस्ट लव हिज लवर, जो लड़की है वह अपने लवर को लव करती है। तो हिज की जो प्लेस पर क्या आएगा, हर का प्रयोग होगा। गर्ल के लिए प्रोनाउन हिज ना होगे, हर आएगा, क्योंकि गर्ल यहाँ फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन है। इसीलिए फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन के साथ हमने बताया था कि हर का प्रयोग होगा न कि हिज का। नेक्स्ट आपका जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, ए स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन अ बुक। तो आपने अगर इसको एरर फाइंड आउट करी नहीं होगी तो दोबारा से आपको मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, और फटाफट बताना इसमें क्या है। स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन ए बुक। तो यहाँ पे आपने देख लिया एवरीथिंग का प्रयोग किया गया है और एवरीथिंग के बाद इट का प्रयोग किया गया है, तो आपने इसमें एरर फाइंड आउट नहीं की कर पाए होगी, बड़ा मुश्किल हुई होगी, क्योंकि हमने बताया था कि एवरीथिंग के साथ हमेशा न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन के यूज होता है। तो एवरीथिंग के बाद इट का प्रयोग हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इट का प्रयोग किया है इस सेंटेंस में, वो स्टूडेंट के लिए किया गया है न कि एवरीथिंग के लिए। अगर आप अच्छी तरीके से इसमें समझ रहे होंगे तो स्टूडेंट के लिए मैंने बताया है, मोस्टली मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन यूज होता है, तो इट के प्लेस पर यहाँ ही का प्रयोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा बताना कौन सा, ओके, ही ऑलवेज प्लेज द पार्ट ऑफ हीरोइन इन ए फिल्म। अब यहाँ आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे इसके पार्ट में क्या एरर है, जल्दी से बताओ क्या है, लगाओ दिमाग थोड़ा। तो उसने इसमें बताया गया है कि ही हमेशा पता है आपको किस लिए, किस मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है, आपको पता है कौन सा प्रोनाउन है, मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन है। तो इसके लिए हमेशा किसका प्रयोग है, मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ही लड़का के लिए यूज होता है न कि लड़की के लिए। ही हीरो नहीं हो सकता, ही हीरो हो सकता है। तो यहाँ जो सेंटेंस के पार्ट नंबर दो में एरर है, तीन में एरर है, वो हीरोइन ही के लिए प्रयोग किया गया कि वह हमेशा हीरोइन का रोल अदा करता है पिक्चरों में, इसका सेंटेंस का मतलब ये है। अब लड़के के लिए यूज होता है ही, तो ही के प्लेस पर आप क्या करेंगे, या तो सी कर ले, पार्ट ए में भी एरर हो सकती है, लेकिन अगर ही को ना हटा के, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो हीरोइन के प्लेस पर आप हीरो का प्रयोग कर दें तो वो सही रहेगा। वैसे अगर मैं यहाँ कर लूँ सी ऑलवेज प्लेज द पार्ट ऑफ हीरोइन इन ए फिल्म, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी के लिए हीरोइन का ही प्रयोग होगा, लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे हीरो, यूज करेंगे हीरोइन के प्लेस पर। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ भाई, when the queen saw her father, she alighted from his horse and knelt before him. No error. इसके आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, जल्दी फटाफट कीजिए। क्यों नो एरर क्यों है, देखो जरा ध्यान से पढ़ो। उसने अपने पिताजी को देखा, यहां तक मतलब आगे समझ में, आगे जो है सी अलाइटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, हिज हॉर्स ना होके सी के लिए आप ऑब्जेक्ट किसका प्रयोग करेंगे, फेमिनाइन जेंडर का। हिज हमेशा किसके लिए होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए, इसीलिए हिज के प्लेस पर हर हॉर्स का प्रयोग होगा। तो पार्ट नंबर आपके थर्ड में एरर होगी, तो हिज हॉर्स के प्लेस पर हर हॉर्स कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नीग्रो
द नीग्रो। चलो अपनी नोटबुक तो इसमें नहीं, जल्दी लाओ फटाफट। कहाँ लिखा हुआ? अरे ये लास्ट वाला। ठीक। द नीग्रो एकम्पनीड बाई हिज हस्बैंड एंड डॉटर्स केम टू द किंग किंग्स पैलेस। इसमें आपको बतानी है कि किस लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का, और आपको जल्दी से सही आंसर देना है। जल्दी से जल्दी बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो आप देख रहे होंगे द नीग्रो, नीग्रो के बारे में पहली बता चुका हूँ। ये मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन वर्ड है। नीग्रो का अगर हम फेमिनाइन बताएंगे तो क्या होगा, इसमें ई डबल एस आप ऐड कर लेंगे तो नीग्रेस हो जाएगा इसका फेमिनाइन जेंडर। एक बार इस पर कॉल आ रही है, एक मिनट रुकना। मैं इसमें से देख लेता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो है द नीग्रो एकम्पनीड बाय हिज हस्बैंड एंड डॉटर्स केम टू द किंग पैलेस। तो इसका मतलब है, एकम्पनीड का मतलब होता है संपूर्ण परिवार के साथ। नीग्रो जो है वो अपने संपूर्ण परिवार के साथ संपूर्ण परिवार के साथ कहाँ गया, किंग पैलेस में आया। इसका अर्थ ये होगा, अब मुझे बताना नीग्रो के लिए वह हिज हस्बैंड अपने संपूर्ण, नीग्रो तो खुद ही जो मेन मैस्कुलिन जेंडर है, तो हिज हस्बैंड की जगह पे हर वाइफ का प्रयोग होगा, अपने परिवार में उसकी में वाइफ होगी, इसलिए हिज हस्बैंड की जगह पे हर हस्बैंड एंड डॉटर, हर वाइफ एंड डॉटर अपनी पत्नी और पुत्री के साथ नीग्रो जो है वो किंग पैलेस में गया या आया। तो आज का जो क्वेश्चन है यही अंतिम क्वेश्चन था, और आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। और नाउन एंड द जेंडर का टॉपिक नाउन के अंतर्गत चल रहा था, वो आज समाप्त होता हुआ। तो कल जो एक और रह गया है नाउन एंड द जेंडर, सॉरी नाउन के अंतर्गत आता है एक नाउन एंड द केस, कल उसको नाउन एंड द केस की क्लास चलेगी। और जिस भाई ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज पहले JKS डिफेंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।